दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने आपके गांव में भेजा और ऐसी स्टेज से आपके मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस प्रोग्राम से यूपी के गरीब को फायदा नहीं होगा, यूपी के पिछड़े को फायदा नहीं होगा। वो ऐसी बात क्यों कर सकी? क्योंकि वो आपके गांव में नहीं जाती है, आपके घरों में नहीं जाती है, आपका खाना नहीं खाती है और आपके कुओं का पानी नहीं पीती है, इसलिए वो ऐसी बात बोल सकती है। क्योंकि अगर वो आपके गांव में गई, अगर उन्होंने आपसे बात की होती, यूपी की जनता को उनको बताएगी कि अगर मनरेगा चला तो सबसे ज्यादा फायदा इस प्रदेश के गरीब को है। कुछ दिन पहले मैं यूपी का दौरा कर रहा था और मुझे रास्ते पे एक अस्पताल मिला, अस्पताल की पेंटिंग हो रही थी। मैं अंदर गया, ना डॉक्टर थे ना मरीज थे, अस्पताल के अंदर कुत्ते घूम रहे थे। आप हंस रहे हो मगर उत्तर प्रदेश की अस्पतालों की यही हालत है। और मैंने उनसे पूछा, भैया अंदर कुत्ते घूम रहे हैं, बाहर पेंटिंग हो रही है और इसके सामने सड़क बन रही है, 500 मीटर की सड़क बन रही है, हार्ड टॉप बन रही है, ये क्या हो रहा है? अधिकारी ने मुझसे कहा, देखिए राहुल जी, यहां चीफ मिनिस्टर जी, मायावती जी आ रही हैं, वहां वो हेलीकॉप्टर से उतरेंगी, गाड़ी में यहां तक आएंगी, उन्हें हम ये अस्पताल दिखाएंगे और फिर वो चली जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट का दौरा है, अस्पताल देखेंगी चली जाएंगी, हम ट्रांसफर नहीं होंगे, हम बच जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी सरकार चलाई जा रही है।